हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आरती और फिर से स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। और मैं हाजिर हूँ आज कुछ नई वैकेंसी लेकर। और आज की वैकेंसी उन कैंडिडेट्स के लिए होंगी जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से, क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी बिहार से कुछ कैंडिडेट्स की कि वहाँ पर वो जॉब करने में इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली आज मैं जो वैकेंसी शेयर करने वाली हूँ वो बिहार स्टेट की ही रहेंगी। सो अगर कोई वैकेंसी सुटेबल लगती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और इसके अलावा आप कमेंट करके भी अपने सुटेबल जॉब के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए करें, ताकि हम आपको उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली आपके पास सेंड कर सके। सो गाइस, मैं बिना देर के स्टार्ट करना चाहूंगी आज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट से। सो रिक्वायरमेंट एक कंपनी में परचेज एग्जीक्यूटिव की है। इसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा टाइमिंग और सैलरी जॉब की हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के दौरान ही। और बात करें आपके स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मैटर करते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और आपका एग्जीक्यूटिव फील्ड में यानी परचेज एग्जीक्यूटिव फील्ड में आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट वैकेंसी अगेन एक कंपनी में है। अब रिक्वायरमेंट है एक सेल्स मैनेजर की। फिर से बता दूं, क्वालिफिकेशन आपकी प्रेफर की गई है ग्रेजुएशन ही। और इसके अलावा 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है कैंडिडेट का। और साथ साथ टाइमिंग जो हम डिस्कस करेंगे, टाइमिंग और सैलरी दोनों ही चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपके इंटरव्यू के दौरान ही। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में है और रिक्वायरमेंट है स्टोर इंचार्ज की, जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है +2 या ग्रेजुएशन, दोनों ही तरह के कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट के लिए जॉब प्रेफर की गई है। अगेन सैलरी और डिस्कस वो हम दोनों ही टाइम जो है टाइमिंग या सैलरी जो दोनों ही चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपकी इंटरव्यू के दौरान ही। लास्ट वैकेंसी फाइनेंस ऑफिस में है और रिक्वायरमेंट है फीमेल टेलीकॉलर की। इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 रिक्वायर्ड है। साथ साथ टाइमिंग आपकी बता दूं, टाइमिंग आपका रहेगा 9 to 6। अगर आप एक अच्छी टेलीकॉलर हैं, जी हाँ, आपको आपकी कॉलिंग की स्किल्स अच्छी हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं कि आप क्लाइंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं बाय कॉल, या कॉल का आंसर आपने कैसे करना है, उस वर्क में आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन इस सैलरी जो होगी इस वैकेंसी की वो हम आपसे डिस्कस करेंगे आपकी इंटरव्यू के दौरान ही। सो गाइस, ये कुछ वैकेंसी थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिलोंग करते हैं बिहार स्टेट से। अगर आप तो कोई भी जॉब सुटेबल लगती है तो डेफिनेटली इनको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम पर बता सकते हैं कि कौन से जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अपने सुटेबल जॉब्स के बारे में। वहाँ आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी, आप उसको लिंक्स को ज्वाइन करें। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको वहाँ पर कंपनी की कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, जहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर इंटरव्यू कर सकते हो। थैंक यू।